जीत गई जिंदगी, हार गया कोरोना। ही शाश्वती होती का की आपण कोरोना पास उठूया, त्याच्यानंतर पुढे काय होईल ते सांगा। चल हिंदी चालू। मैं जब से एडमिट हुआ यहाँ पर तो बहुत तकलीफ का मामला था। रिपोर्ट तो आप लोगों को सबको पता चली और तकलीफ भी आप लोगों को सबको पता थी कि ये तकलीफ कैसी होती है। लेकिन जिस दिन से एडमिट हुआ हूँ उस दिन से लेकर आज तक मुझे डीन सर और डीन साहब का जो मैनेजमेंट है, जो भी मैम साहब के स्टाफ, एक नंबर स्टाफ, इन लोगों ने मुझे प्यार किया और जिस प्यार और प्रेम से मेरे साथ में सलूक किया है और जो ट्रीटमेंट किया है, मैं इनका शुक्रिया अदा करने के काबिल नहीं रहा। इतना इन्होंने प्यार किया मेरे को और मेरे साथ में जो है, जब इसकी जरूरत लगी मैंने आवाज दी, वो तमाम आवाज के ऊपर इन्होंने लब्बैक कहा, फौरन हाजिर होकर मेरा ट्रीटमेंट पूरा किया। मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए। इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी जिंदगी बचाने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। आज जैसे लोगों के अंदर भेदभाव की तरकीब चल रही है, मैं सारे मुल्क वालों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये बीमारी किसी का धर्म नहीं देखती है, न जात देखती है, न पात देखती है। आज अगर मेरे को ये धर्म के नाम पे अगर रहते तो आज मैं जिंदा नहीं रहता। इसके लिए तमाम लोगों से गुजारिश है कि ये मैसेज को रखे कि भाई बीमारी बीमारी होती है, एक दूसरे का सपोर्ट करके हम चले। आज इनका सपोर्ट है तो आज मैं खड़ा हूँ। सर, आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरह से आपकी सेवा कीजिए, तो जाओ यहाँ पे नर्सेस थे, सिस्टर थे जी, और डॉक्टर्स भी थे जी। तो एक तरह से इन सभी के साथ माँ बहन वाला आपका रिश्ता पैदा हो गया, जो डॉक्टर थे वो आपके भाई की तरह बन गए और एक फैमिली, एक कौटुम्बिक नाता आपका बन गया, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो क्या बात है ये? बस ऊपर वाले की तरफ से, ऊपर वाले ने उनके दिल में मोहब्बत डाली, मेरे दिल में मोहब्बत डाली, इनको मेरा स्वभाव पसंद आया।